अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं कि आपको एक महीने क्लाइंट मिलता है और नेक्स्ट मंथ क्लाइंट नहीं मिलता, आपको 2 मंथ बैठे हो जाते हैं और आप लोगों को कोई काम नहीं मिलता, आप बैठे होते हैं फाइवर अप पर पे बिडिंग कर रहे होते हैं बट स्टिल आपको कोई नया क्लाइंट मिल नहीं रहा होता, तो इन सारे सॉल्यूशंस का हल मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम नए क्लाइंट कॉन्स्टेंट हंटिंग करने में लगे हुए होते हैं जबकि हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको मेंटेन नहीं करते, राइट? जो कि सरासर मिस्टेक है और मोर देन 80% फ्रीलांसर्स यही काम करते नजर आ रहे होते हैं कि वो उन्होंने एक क्लाइंट के साथ काम किया और उसके बाद उसको अल्लाह हाफिज़ कह के ख़त्म कर दिया, राइट? और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इंगेज नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं और किस तरह से करनी पड़ती हैं, तो इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा और अपनी कुछ पर्सनल केस स्टडीज़ बताऊंगा। रिसेंटली हुआ कि 2020 के अंदर मैंने क्लाइंट के साथ बिल्कुल छोटा सा काम किया था और उसके बाद बस मैंने एक अच्छा काम ये किया कि वो फाइवर पे आया, फाइवर पे मेरी उससे बात हुई और उसके बाद जो मैंने उसका काम किया, प्रोजेक्ट लिया, वो फाइवर पे ही लिया, लेकिन मीटिंग के दौरान मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया, राइट? व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद मैंने उसको सेव कर लिया और उसको मैसेज कर दिया कि मेरा नाम एहसान दानिश है, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सेम उसने भी मेरा नंबर सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो है सोशल इंट्रैक्शन बढ़ गया या हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट उसने किया, उसके बाद वो चला गया, राइट? 2022 के अंदर मैंने क्या किया, अपने व्हाट्सएप लिस्ट के अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी क्लाइंट्स के नंबर थे, उन सबको पिच किया कि मैं ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, हमने प्रीवियसली इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो अगर आपके पास अभी कोई काम है या प्रीवियस प्रोजेक्ट पे कोई इशू है तो आपको हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, राइट? तो उसमें से एक क्लाइंट आया जो 2020 के अंदर, जिसके साथ मैंने छोटा सा काम किया था, 2023 के अंदर उसने अब मुझे मैसेज किया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके पर हम लोगों ने काम करना है और आप उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो। मैंने कहा ओके। फिर मैंने थोड़ी सी उसके साथ डिस्कशन की, बात की, तो पता चला कि वो क्लाइंट जो है अब आउटसोर्सिंग करना शुरू हो गया, मतलब उसने आगे से क्लाइंट लिए और वो सारे आउटसोर्सिंग करना शुरू कर रहा है। तो अब वो क्लाइंट मुझे हर वीक के 2 से 3 प्रोजेक्ट दे रहा है कॉन्स्टेंटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, राइट? तो ये सारी केस स्टडी बताने का मकसद ये था कि अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट लाजमी कर लें। इस तरह के और क्लाइंट के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों तक अभी भी कंटिन्यूसली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, सिर्फ यही सिंपल चीज़ करके। और अगर मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता फाइवर पे, अपवर्क पे या फिर कहीं पे भी नया क्लाइंट नहीं आता, तो स्टिल कोई ना कोई काम किसी ना किसी क्लाइंट से निकल आता है हर मंथ, जिससे मेरा जो वो मंथ है एक अच्छी इनकम के साथ क्लोज हो जाता है, राइट? तो ये आप लोगों ने लाजमी करना। अब ये सारी चीज़ें होंगी किस तरह से, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेशन डिलीवर करते हो, किस तरह से क्लाइंट के साथ बात करते हो, और नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप लोगों का स्किल सेट। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम डिलीवर करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको आपके साथ जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए जाहिर सी बात है काम करने के लिए रेडी रहेगा, राइट? तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है। तो सिंपल ये है कि क्लाइंट को अपना फैन बना लें, सिंपल सिंपल अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ और अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवरी या अच्छे स्किल सेट के साथ, राइट? और इसके साथ कुछ चीज़ें इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेट्स से क्लाइंट ने आपको कहा है कि सिर्फ वेबसाइट बना के दो, आप उसके अंदर एक दो अच्छे और प्लगइन इंस्टॉल करके दे दो जो कि क्लाइंट के बिजनेस से रेलिवेंट हो और उसके हेल्प हो सके, ठीक है? आप उसका चार्ज ना करें, आपके 5 मिनट लगे लेकिन क्लाइंट उससे इंप्रेस हुआ और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ इंगेज हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्लाइंट को जस्ट अपना फैन बनाना और कोशिश करनी है उसको अपने साथ कनेक्ट रखें किसी भी सोशल मीडिया पे। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, वो क्लाइंट आपके साथ है और जब भी उसको ज़रूरत पड़ी आप से वो इम्प्रेस है ऑलरेडी, बजाय ये कि वो किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर जाके नया पर्सन ढूंढे जो कि नॉट ट्रस्टेड हो उसके लिए, उसको उसे उसकी स्किल्स का अंदाज़ा ना हो, वो आपको प्रेफर देगा क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ पहले काम किया हुआ है और आपके नज़दीक या उसके नज़दीक आप जो हो वो ट्रस्टेड हो और आप भी क्लाइंट को जानते हो किस मेंटेलिटी और किस माइंडसेट का क्लाइंट है, राइट? तो ये थी आज की टिप जो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप लोगों भी मेक श्योर करें कि अपने क्लाइंट्स को इंगेज रखें और जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप
इंट्रैक्ट करते रहें आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, उनको मैसेज कर दें कि आपको कोई काम है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि एक्सेसिव स्पैमिंग नहीं करनी, आप लोगों ने ऐसे मैसेज नहीं भेजना। तो शुरू आप लोगों ने करना यह है कि आपने जो प्रीवियसली काम उसके साथ किया था उसको मेंशन करना है कि ये प्रोजेक्ट हमने इस डेट को आपके साथ किया था, इसके अंदर कोई भी इशू या प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके रेलिवेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इशू है, कोई फेस करना पड़ रहा है आपको, तो आप हमें बताएं, हम वो फिक्स कर देंगे, आपने पैसे नहीं मांगने, राइट। जब क्लाइंट अगर उसको कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली वो बता देगा, और आप उसको जब करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी तरह से क्लाइंट आपके साथ अगर कोई उसको काम नहीं है तो फिर भी उसको ये बात माइंड में चली जाएगी कि ये जो फ्रीलांसर है ये काफ़ी डेडिकेटेड बंदा है जो कि अपने क्लाइंट्स को ट्रैक करता रहता है, कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उससे पूछता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट्स को इंगेज रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर जो भी बातें मैंने की वो आपको पसंद आई होंगी। तो मज़ीद नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस चीज़ों के ऊपर केस स्टडीज़ चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप मुझे टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकें अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।